विदिशा जिले के सरौंज क्षेत्र का एक गांव आपसी रंजिश का शिकार हो गया, जिसके चलते गांव दो हिस्सों में बट गया, जिसका असर बच्चों की शिक्षा के ऊपर पड़ रहा है। जहां बच्चे एक दूसरे के मोहल्ले में भी नहीं जा पा रहे हैं, वहीं स्कूल का दूसरे मोहल्ले में होने की वजह से शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल सिरौन से मात्र 12 किलोमीटर दूर देवपुर पंचायत का बिसनपुर 400 लोगों की आबादी वाला गांव है, जहां ये गांव दो मोहल्लों में बंट चुका है। लेकिन यहां के स्कूल के रजिस्टर में दर्ज 37 बच्चों में से 35 बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं। इसके पीछे का कारण गांव के बीच 2 साल पहले हुआ आपसी विवाद बताया जा रहा है। वहीं इसको लेकर स्कूल प्रभारी ने भी गांव की लड़ाई को इसका कारण बताया। इस वजह लड़ाई हुई थी, नहीं विवाद हुआ था दोनों पक्षों में हमारे। तो उधर के बच्चे इधर नहीं आते, इधर के उधर नहीं जाते, उधर ही सब सुविधा है, आंगनबाड़ी उधर ही खाना बंटता है बच्चों के लान, सब कुछ वहीं है, इधर कुछ नहीं। लगभग वो कान सिंह सरपंच साहब थे नहीं, गुड्डी भाई, जब से इधर नहीं, सरपंच से भी की थी कि वो अपनी बिल्डिंग की मंजूरी मिल ही नहीं रही, ये बोल रहे थे अभी के सरपंच, तो पहले कि ने बनवा ही नहीं। वो तो सर गाँव बस्ती में लड़ाई धमैया तो होते रहते हैं, और ये तो सामाजिक चीज़ है, स्कूल के बच्चे उनने रोक लाए हैं, ठीक है। आज वहाँ पे लड़ाई हुई, कल दूसरे घर भी हो जाएगी, वहाँ पे भी टीचरों ने बुलाएंगे तुम हमारे घर पढ़ाने आओ, ऐसे घर घर कदाक लड़ाई होंगी तो घर घर बच्चों ने बुलाएंगे पढ़ाने के लिए। साइड के बच्चे नहीं आते हैं? नहीं नहीं, इधर क्या सर बिल्डिंग नहीं है? बिल्डिंग नहीं है यहाँ, प्राइवेट दिलाने मेरी। वो तो विवाद सर ऐसा हुआ था, एक नाबालिग केस के चक्कर में हुआ था वो। ये क्रम अनुसार ये है, पहले ये इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ है, जब से नहीं आ रहा, पहले यही यही आते थे सब लोग। नहीं प्राइवेट रमेश दादा की दल्लान पड़ा मैं, जहाँ पर बच्चे 36 फिलहाल की स्थिति में, हाँ अभी तो आई है 15-1 तो आ गए हूँ। नहीं नहीं उधर के हैं कुछ 15-16 इधर के, इधर के सब आ रहे हैं, उधर वाला एक भी नहीं आ रहा। हाँ उन हमें अलग, हमारे यहाँ अलग पढ़ाने आओ, ये है उनका कहना। वो जो ड्रेस मिलती है वो वही बांट के आए, आप भी बांटे आए, किताबें भी पिछली साल बांटे आए थे, इस साल ड्रेस आई वो ही बांट के आए हम वहीं पे जाकर। उनका कहना जाए है कि आधा वहाँ पढ़ाओ, वो आधे आधा बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाओ, मतलब एक मास्टर जहाँ पढ़ाओ एक वहाँ पढ़ाओ। वहीं इसको लेकर SDM हर्षिल चौधरी ने भी इस पूरे मामले में जांच करने के बाद फैसला लेने की बात कही है। हाँ इसकी जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है, मैं BO से और BRC से एक बार बैठ के बात कर लेता हूँ, इस बारे में विजिट भी कर लेते हैं हम लोग। अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो नया बिल्डिंग अगर प्रस्तावित करने की आवश्यकता है जहाँ से बच्चों को सहूलियत हो तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और अगर स्थानीय लोगों से बात करके जो विवाद है वो निपटाया जा सकता है तो उस दिशा में काम होगा। उसको हम दिखवा लेते हैं, इंजीनियर से भी बात कर लेते हैं, उसको हम अगर वो सैंक्शन है ऑन पेपर सब कुछ और किसी जिस भी वजह से काम डिले हो रहा है उसको हम चेक करवा लेते हैं। गांव में हुई इस आपसी लड़ाई की वजह से ग्रामीण बच्चों की जिंदगी अंधकार में जा रही है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ विदिशा।